बच्चों आज आप तुहाड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक विचों जेड़ा पाठ पढ़न जा रहे हैं उस विच सड़क उत्ते चलदियां वरतियां जाण वालियां सावधानियां अते नियमां वाली जानकारी प्राप्त होवेगी। जिवें कि जदों भी असीं किसी चौंक वाली सड़क उत्ते जांदे हाँ तां असीं वेखदे हाँ वी चौंक विच आवाजाई नूं चंगी तरह चलाउण लई बत्तियां लगियां हुंदियां हन अते कई बार चौंक भी सिपाही भी खड़े होंदे हन। हाँ जी प्यारे बच्चों चौंक विच बत्तियां क्यों लाईयां जांदियां हन अते चौंक विच सिपाही क्यों खड़े होंदे हन आओ इस पाठ नूं पढ़ के देखिए भी सानूं किन्ना कु ज्ञान प्राप्त होंदा है। इस पाठ दा नाम है देखो ठहरो ते जाओ। मीनू ते टिंकू पहली बार चंडीगढ़ आए सन। उन्हां दे मामा जी चंडीगढ़ रहिंदे सन। मामा जी का एक पुत्र सी जिसका नाम सिमरन सी। वह मीनू ते टिंकू तो थोड़ा वड्डा सी। शाम नूं सिमरन उन्हां नूं बाजार घुमाउण लई लै गया। बाजार उन्हां दे घर तो थोड़ी ही दूर सी। बाजार जाण लई उन्हां ने एक सड़क पार करनी सी। हाँ जी प्यारे बच्चों तुसी भी अपने नानके घर जाने हुन्ने हो ना इस तरह मीनू ते टिंकू दे नानके कित्थे सी चंडीगढ़। मीनू ते टिंकू दे मामा जी कित्थे रहिंदे सन चंडीगढ़ रहिंदे सन। मामा जी दा एक पुत्तर सी जिसका नाम की सी सिमरन। ओह मीनू ते टिंकू तो थोड़ा वड्डा सी। शाम नू सिमरन मीनू ते टिंकू नू बाजार घुमाउण लई लै गया। बाजार जिहड़ा सी उन्हां दे घर तों थोड़ी ही दूर सी। बाजार जाण लई उन्हां नू एक सड़क पार करनी पैंदी सी। सड़क उत्ते साइकलां स्कूटरां कारां टैंपूआं अते रिक्शियां दी भीड़ सी। पैदल जाण वाले लोकां दी भी काफ़ी भीड़ सी। तुरदिआं तुरदिआं मीनू ने कहा देखो वीरे सामने की हो रहा है। टिंकू ने सामने देखिआ। हाँ जी प्यारे बच्चों जब भी असीं बाजार जाने असीं देखते हाँ ना सड़क उत्ते साइकलां स्कूटरां कारां अते रिक्शियां दी किन्नी भीड़ हुंदी है। पैदल जाने वाले लोगों की भी बहुत भीड़ हुंदी है। तुरदियां तुरदियां मीनू ने की कहा देखो वीरे सामने की हो रहा है। टिंकू ने सामने देखिआ। चौंक ते चार खंभे लगे हुए सन। एक खंभे उत्ते कदे लाल बत्ती जागदी सी कदे पीली ते कदे हरे रंग दी बत्ती जागदी सी। मीनू ते टिंकू हैरान हो गए। वो इधर उधर देखन लगे कि इन्हां बत्तियां नूं कौन जगा बुझा रहा है पर उत्थे तो कोई नहीं सी। साइकलां स्कूटरां ते कारां वाले लाल रंग दी बत्ती देख के रुक जांदे सन। हरी बत्ती दे जागदियां ही सब चल पैंदे सन। दोहां दी समझ विच कुछ नहीं सी आ रहा। वह कुछ देर खड़े ये सब कुछ देखते रहे। हाँ जी प्यारे बच्चों चौंक ही हुंदा जिथे चारे पासे जाण लई रस्ता होवे। इस तरह चौंक विच की दस्या होया है भी चौंक दे विच एक खंभे उत्ते बत्तियां लगियां होईयां सन। लाल बत्ती होण ते सारे रुक जांदे सन। हरी बत्ती होण ते सारे चल पैंदे सन। हाँ जी प्यारे बच्चों जदों भी तुसीं अपने मम्मा पापा नाल चौंक वाली सड़क उत्ते जांदे हो तां तुसीं भी लाल बत्ती होण ते रुक जांदे हो ते हरी बत्ती होण ते चल पैंदे हो। इस तरह मीनू ते टिंकू नूं समझ नहीं सी आ रहा है की हो रहा है। इन्हां बत्तियां नूं कौन जगा बुझा रहा है। ओह ये सब कुछ खड़े देखते रहे। सिमरन कुछ कह नहीं लगा सी कि इन्हें नूं मीनू ते टिंकू ने सिमरन तो बत्तियां बारे पुछिया यह क्यों लाईया हन ते यह किवें जागदियां ते बुझदियां हन। मीनू ते टिंकू ने सिमरन तो की पुछिया भी यह बत्तियां क्यों लाईया जांदियां हन ते किवें जागदियां ते बुझदियां हन। सिमरन तो पहला ही उन्हां नूं इन्हां बत्तियां बारे दसना चाहुंदा सी। उसने दसिया यह बत्तियां आवाजाई नूं चंगी तरह चलाउण लई हन। देखो वह लाल बत्ती हो गई है। इधरों जाण वाले सारे रुक गए हन। पीली बत्ती होण ते सब चलने तैयार होणगे ते हरी बत्ती होण नाल सब चल पैणगे।
इस तरह करना सड़क उत्ते कोई दुर्घटना नहीं हुंदी। सिमरन ने की दस्या मीनू ते टिंकू नूं भी लाल बत्ती होण ते सारे रुक जांदे हन, पीली बत्ती होण ते सारे चलण लई तैयार हो जांदे हन, ते हरी बत्ती होण ते सारे चल पैंदे हन। इह बत्तियां आवाजाई नूं चंगी तरह चलाउण लई लाइया जांदियां हन तां कि सड़क उत्ते कोई दुर्घटना जां एक्सीडेंट ना होवे। सिमरन ने उन्हां नूं सड़क उत्ते चलण दे होर भी कई नियम समझाए। सिमरन ने दस्या सानू सदा अपने खब्बे हाथ चलना चाहिदा है, सड़क पार करदे समय सानू काली नहीं करनी चाहिदी, सानू पहलां अपने सज्जे पासे देखना चाहिदा है, फिर अद्धी सड़क पार करन बाद खब्बे पासे देखना चाहिदा है, जेकर सड़क खाली ना होवे तां सानू रुक जाना चाहिदा है। सिमरन ने मीनू ते टिंकू नूं सड़क ते जाण दे होर भी कई नियम दसे। सिमरन ने दस्या वी सानू हमेशा आपदे खब्बे हाथ चलना चाहिदा है, सड़क पार करदिआं समय कदे काली नहीं करनी चाहिदी, सानू पहलां अपने सज्जे पासे देखना चाहिदा है, फिर अद्धी सड़क पार करन बाद खब्बे पासे वेखना चाहिदा है, जेकर सड़क खाली ना होवे तां सानू रुक जाना चाहिदा है। चौंक विच पैदल चलन वालियां लई सड़क उत्ते निशान लगे हुंदे हन, तुसीं इस तस्वीर विच देख रहे हो ना बच्चिओ, पैदल चलन वालियां लई सड़क उत्ते निशान बने हुए हन ना, इस नूं की आखदे हन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सिमरन ने यह भी दस्या कि जेकर किसी चौंक विच सिपाही खड़ा होवे तां सानूं उसदे हत्थां दे इशारिआं अनुसार चलना चाहीदा है। अज कल दे स्कूलां दे बच्चिआं नूं तां इस बारे सिखलाई भी दित्ती जांदी है। सिमरन ने की दस्या वी जेकर चौंक विच कोई सिपाही खड़ा होवे तां सानूं उसदे हत्थां दे इशारिआं दे अनुसार ही चलना चाहीदा है। कहिंदा अज कल दे स्कूलां दे विच तां बच्चिआं नूं इस बारे सिखलाई दित्ती जांदी है, उन्हां नूं पढ़ाया भी जांदा है। मीनू ते टिंकू ने कहा वीर जी हुण असीं सब समझ गए हाँ, इसे खुशी विच बाजारों आइसक्रीम खांदे हाँ। सिमरन ने कहा आइसक्रीम दा नाम सुन के मीनू ते टिंकू खुशी खुशी बाजार वल तुर पए। हाँ जी प्यारे बच्चो, मीनू ते टिंकू ने की कहा हुण असीं सब समझ गए हाँ, इसे खुशी विच ओह आइसक्रीम खाण लई खुशी खुशी बाजार वल तुर पए। हाँ जी प्यारे बच्चो, इस पाठ तो तुहानूं की पता चलता है वी सानू हमेशा सड़क दे खब्बे हाथ चलना चाहिंदा है, सानू सड़क पार करदिआं समय कदे काली नहीं करनी चाहिंदी, सानू पहलां आपदे सज्जे हाथ देखना चाहिंदा है, फिर अद्धी सड़क पार करन बाद खब्बे हाथ वेखना चाहिंदा है, जेकर सड़क खाली ना होवे तां सानू रुक जाना चाहिंदा है। ते होर की दस्या होया प्यारे बच्चो वी उत्थे पैदल चलन वालियां लई सड़क उत्ते निशान लगे हुंदे हन जिस नूं ज़ेब्रा क्रॉसिंग आखदे हन, ते चौंक विच बत्तियां बारे दस्या होया है वी लाल बत्ती होण ते सानू रुक जाना चाहिंदा है, पीली बत्ती होण ते सानू जाण लई तैयार हो जाना चाहिंदा है, ते हरी बत्ती होण ते सानू चल पैणा चाहिंदा है। हांजी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करदी हां तुहानू ये पाठ समझ आ गया होना। थैंक यू।